ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास बता चुके थे आपको, हम सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हो चुका था। उसमें बताए थे आपको हम प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा और डेंसिटी क्या होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। और साथ ही बताए थे अमाउंट ऑफ गैस का मतलब मास होगा, मास का मतलब नंबर ऑफ मोल होगा, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं गैसेस लॉज के बारे में। सो लेट अस सी, अगर यहाँ बात किया जाए गैस लॉज के बारे में, गैस लॉज, अब इसमें हमको देखना क्या है, तो हम जो बताए थे लास्ट क्लास में आपको, दैट इज़ प्रेशर आपको हम बताए हैं, वॉल्यूम बताया है गैस का, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल से मतलब होगा, ठीक है। अभी चार आपको हम बताए हैं, अभी चारों में हमको यहाँ पर अगर बात करें हम गैस लॉज में, तो हमको यहाँ पर देखना है किसी दो में रिलेशन, टोटल यहाँ चार है ना, किसी दो में हमको रिलेशन देखना है, बाकी दो कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसमें मेरा पहला हो जाएगा गैस लॉज में बॉयल्स लॉ, फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ क्या होगा, तो इनका स्टेटमेंट क्या था वो पहले यहाँ बात करेंगे, फिर जो इसका फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेंगे। तो इनका स्टेटमेंट ये था, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, स्टेटमेंट था फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये इनका स्टेटमेंट था। अब यहाँ कॉन्स्टेंट कौन कौन है देखो जरा आप, अमाउंट ऑफ गैस तो गिवन है ना, गिवन का मतलब दिया हुआ होगा, इट कैन बी आइदर वन मोल, टू मोल, हाफ मोल, पाँच मोल, दस मोल, कुछ भी दिया रहेगा। तो अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल भी कॉन्स्टेंट हो गया और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट हो गया, ये दो में अपना रिलेशन है बॉयल्स लॉ में, प्रेशर में और वॉल्यूम में। अब रिलेशन कैसा है, तो इन्वर्सली का है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक बलून है, बलून में आप एयर ब्लो कर दो, टाई कर दो उसको आप, है ना, तो टाई करने से क्या हुआ कि जितना भी एयर उसके अंदर है दैट विल बी कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल कॉन्स्टेंट हो चुका है। और ये मान के चलते हैं कि अपना टेम्परेचर भी अगर कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट होगा तो दोनों में रिलेशन कैसा होगा, इन्वर्सली का होगा। अगर हम बलून को कंप्रेस करना चाहे, कंप्रेस का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम अगर हम कम करना चाहे उसका, तो वॉल्यूम अगर कम करना चाहेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बलून बस्ट हो जाता है, फट जाता है बलून। तो आसानी से इसको आप समझ सकते हो, रिलेशन ये होगा अपना, कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या क्या होगा, कॉन्स्टेंट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल होगा और टेम्परेचर होगा, करेक्ट। तो अब इसी को जरा हम और भी आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अगर इसको आप सॉल्व करो तो P इक्वल टू क्या आएगा, अब अगर इसको हम इक्वल टू से रिप्लेस करें तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है, K होगा बाय V होगा। अब इसको और जरा हम सॉल्व करें तो P भी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, P भी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, करेक्ट। अब जो K किस पे डिपेंड करेगा, तो K डिपेंड करेगा अपना जो कॉन्स्टेंट था, यहाँ कॉन्स्टेंट कौन कौन था, नंबर ऑफ मोल था और टेम्परेचर था, तो ये अपना K किस पे डिपेंड करेगा, के डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस में और टेम्परेचर में डिपेंड करेगा। तो यहां लिख लोगे आप, के डिपेंड्स ऑन, के डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो हम यहां से ये भी तो बोल सकते हैं ना, पी वन वी वन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पी टू वी टू बोल सकते हैं, ये तो अपना के ही रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर हम वॉल्यूम को V2 कर दे, अगर वॉल्यूम हम चेंज कर दे मतलब बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उसी के हिसाब से प्रेशर भी चेंज होगा, चेंज होगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो सेम ही आएगा, के बराबर, के कैन बी मतलब इट कैन बी वन टू फाइव कुछ भी हो सकता है, के अपना कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ये रिलेशन है बॉयल्स लॉ का, इससे हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले हम यहाँ कुछ कर्व देख लेते हैं, है ना,
तो आइए हम कर्व देखते हैं इसका, फिर हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो लेट अस सी, तो अगर यहां हम कुछ कर्व देखिए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, है ना, यहां लिखोगे आप कर्व्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब कौन कौन सा कर्व है तो आइए हम देखें। हाँ जी, तो अपना रिलेशन क्या था उसको पहले देख लेते हैं। रिलेशन अपना था प्रेशर इक्वल टू के बाई वी था, या फिर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। ठीक है, यही अपना रिलेशन है। ओके, तो अगर हम यहाँ कर्व यहाँ देखिए, पहला हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये क्या मिलेगा। अब कर्व जो यहाँ बनाने वाले हम हैं, ये डायरेक्ट यूज़ है मैथमेटिक्स का, मैथ्स में पढ़ते हो अब कर्व के बारे में, है ना। तो कर्व अगर पढ़ाई हुआ है मैथ्स में तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप बना लो यहाँ पर, अभी मैथ्स में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथ्स में पढ़ोगे कर्व वगैरह के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, करेक्ट। अब अभी हम क्या बोले आपको कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, रिलेशन इन्वर्सली का है। तो अगर इन्वर्सली रिलेशन है तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा जी। प्रेशर अगर हम बोले कम हो रहा है तो वॉल्यूम अपना बढ़ रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं हम लोग, हैं है ना। और उसका इक्वेशन होता है अपना एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन, दिस इज, ये मैथ्स का पार्ट है हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कभी भी अगर ऐसा कर्व मिले आप इसे, यहाँ पर देखो एक्स वाई की जगह में यहाँ पर क्या है, पी वी है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका कर्व इसी तरह का बनता है, करेक्ट। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ बनाए। अब यहाँ हर एक पॉइंट पर अपना कॉन्स्टेंट क्या क्या होगा, तो हम ये बताए हैं आपको कि ये रिलेशन आपका जो है कब बताया आपको हम, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये हर एक पॉइंट पर टी क्या होगा अपना, कॉन्स्टेंट होगा, और नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये दोनों अपना कॉन्स्टेंट रहेगा। तो कर्व ऐसा बनेगा, हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर टी ही होगा, करेक्ट। पहला कर्व ये बना। दूसरा कर्व अगर यहां देखे हम लोग, तो सपोज इधर है पी वी है, इधर वी है, कर्व कैसा बनेगा एक और देखते हैं। कर्व देखिए, ये थर्ड नंबर कर देते हैं इसको हम लोग, पी वी है वर्सेस पी है। देखो जी, पी वी हम क्या बोले आपको, ये अपना कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो ऐसा कर्व बनाओगे, ना ही ऊपर ना ही नीचे, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ भी वही है कर्व, तो इट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर फोर्थ यहाँ बताया आपको हम, एक कर्व को बनाना है लॉग के टर्म्स में। देखिए, अगर हम सपोज यहाँ लॉग पी लिखे और यहाँ हम लॉग वी लिखे, तो कर्व कैसा बनेगा। तो अब इसके लिए थोड़ा हम लोग यहाँ पर ही लॉग में सॉल्व करना होगा इस इक्वेशन को। देखिए, अगर यहाँ आप लॉग ले लो, थोड़ा इसमें सॉल्व करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है जो पढ़ोगे आप मैथ्स में, वहाँ भी बताया जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग का प्रॉपर्टी पहले यहाँ देख लो आप, अगर लॉग एम इन टू एन है तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि हम इसको लिख पाएंगे लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको ध्यान रखना, इसी को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर यहाँ लॉग दोनों तरफ हम ले लें तो लॉग पी इन टू वी है इक्वल टू लॉग के होगा। अब अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में अगर दो है एम इन टू एन है, तो वो किस तरह से लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू क्या हो गया, लॉग के हो गया। अब लॉग पी किसके जगह में है, वाई एक्सिस के जगह में है, तो चलो इसके जगह में हम वाई लिख देते हैं। और लॉग वी किसके जगह में है, तो एक्स एक्सिस के जगह में है, तो यहाँ हम एक्स लिख देते हैं, और ये तो अपना कॉन्स्टेंट को हम सी लिखते हैं। तो ये इक्वेशन देखो जरा,
किस फॉर्म में आया आपका, ये इक्वेशन सिमिलर टू क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है? बिल्कुल है, इसी के फॉर्म में है। स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा माइनस वन, एम का वैल्यू माइनस वन है, कांस्टेंट अपना सी लॉग के अपना, ठीक है ना, सी क्या है तो लॉग के है, करेक्ट। ओके, सो हाँ जी, तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगा, और C क्या होता है, C होता है अपना Y इंटरसेप्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अपना C है, एंड C इज इक्वल टू क्या है, लॉग K होगा। स्लोप कितना होगा, तो माइनस वन होगा, ठीक है, ये बन गया कर्व। एक कर्व हम और बताते हैं, उसको देखिए, इसको फाइव नंबर कर लेंगे हम लोग, सपोज कुछ ऐसा, इधर P था इधर V था, अभी हम कर्व बताएं आपको, ये कुछ ऐसा बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मान लेते हैं ये तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बना है कर्व, दे आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है, ठीक है, कर्व है। सपोज टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, ठीक है, तो हमको ये बताना है कि रिलेशन क्या होगा T1, T2 और T3 में, रिलेशन क्या होगा, या बराबर होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा, क्या रिलेशन होगा, कुछ तो रिलेशन होगा तीनों में, ये हमको बताना है, क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप समझो ये अपना तीनों कर्व है जी, दे आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है ना, तीन, तो अब कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या है उसको समझ लो आप, जब भी आपको बताना हो कर्व के बारे में ऐसा, तो आप क्या करो, एक लाइन यहाँ खींच लो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रहे हैं, देखिए सपोज एक लाइन हम यहाँ बनाते हैं, सपोज यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना रहे हैं इस तरह का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जहाँ जहाँ कट किया उसको अगर नीचे ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू ऑफ v मिलेगा आपको, v1 कट किए यहाँ पर नीचे ले आए, v2 मिला, ये क्या मिला आपका, v3 मिला। तो आप बताओ कि तीनों में क्या रिलेशन है, v3 बड़ा है, सबसे बड़ा v3 है, सबसे छोटा v1 है। तो आप बताओ अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए लाइन का, मतलब ये हुआ कि प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है इस लाइन में, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो आप बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट करोगे गैस को, तो गैस एक्सपेंड करना चाहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करने के बाद क्या पाए कि वी थ्री बड़ा है वी टू से, मतलब टी वन बड़ा होगा टी टू से, टेम्परेचर ज़्यादा होगा जी तभी तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, मतलब T1 बड़ा होगा, मतलब ये आपका रिलेशन सही हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा कभी भी अगर कर्व आपको मिले तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। दीज आर सम कर्व रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से, है ना, बॉयल्स लॉ, हाँ जी। क्वेश्चन अपना होगा यहाँ पर, देख सकते हो आप इस तरह का, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन, है ना। हमको अब यहाँ देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जा रहा है यहाँ पर, आप क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है आपको, ये देख लो क्वेश्चन आप, प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना, कन्फाइंड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, ठीक है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है, ये जो अपना क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि हाँ, प्रेशर ऑफ अ गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है अपना कितना, 10 लीटर अपना वॉल्यूम है, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर है, नो प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी वॉल्यूम इफ प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, मतलब पहला ये P1 है, ये V1 है, अब P2 के बारे में बात हो रहा है,
कितना बढ़ा प्रेशर, 50% से बढ़ गया। तो पहले 2 एटमॉस्फेयर था प्लस, अगर हम इसका निकालें 50% मतलब इसका हाफ, तो 2 का हाफ कितना होगा, 1 होगा, तो इतना से बढ़ गया। तो अब कितना प्रेशर हो गया, 3 एटमॉस्फेयर हो गया, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर अपना, ठीक है। तो बताना है वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा, ठीक है, यही अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं बॉयल्स लॉ का जो फार्मूला हम लोग को मिला था, दैट इज P1V1 इक्वल टू P2V2, वी कैन अप्लाई हेयर। हाँ जी, तो इसको हम अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देख लीजिए आप। P1 पता है आपको, तो हमको निकाला यहाँ V2 था, तो V2 इक्वल टू क्या लिखिएगा, P1V1 बाई P2 लिखिएगा। P1 कितना है पुट कर दो, वेलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगा। V1 कितना होगा, V1 अपना 10 लीटर है, P2 कितना है, 3 है, तो दिस इज हाउ मच, 20/3 लीटर हो जाएगा आंसर, ये अपना आंसर है, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, देख लो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इसको बात करें इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए, इसमें क्या मालूम है जरा उसको देखिए आप। इसमें हम लोग को दिया है ये 2 बल्ब है जी, ठीक है, बल्ब ए हुआ बल्ब बी हुआ, बीच में स्टॉप कॉक है, मतलब आपका इसमें गैस नहीं था, तो आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा गैस अपना, है ना। इसका वॉल्यूम 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 15 लीटर है, बल्ब ए बल्ब बी हुआ, प्रेशर ऑफ गैस पता है 5 एटमॉस्फेयर है। बताना ये है आपको कि जब हम इस स्टॉप कॉक को हटा देंगे तो गैस फ्लो करेगा, तो प्रेशर कितना होगा आपका वो बताना है। और यहाँ मानना क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ कनेक्टिंग ट्यूब टू बी 0, मतलब बीच में जो पाइप लगा हुआ है दोनों को जोड़ रहा है उसका वॉल्यूम मान के चलना है 0 है, करेक्ट। तो आप बताना है प्रेशर क्या होगा फाइनल, आइए देखते हैं। P1 कितना पता है आपको, P1 है 5 एटमॉस्फेयर, नो प्रॉब्लम। V1 कितना है, V1 है 10 लीटर, लेकिन जब इसको हम हटा देंगे तो क्या होगा, हटाने के बाद क्या होगा, अब गैस का वॉल्यूम, गैस अब यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है ना, दोनों जगह होगा गैस। आपको पता है गैस का वॉल्यूम क्या होता है, अपना उसका वॉल्यूम तो होता नहीं है, जितना स्पेस अवेलेबल होगा पूरे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर इसको हम हटा देंगे स्टॉप कॉक को, तो पूरे जगह गैस अपना आ जाएगा, तो वॉल्यूम V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा, पहले 10 लीटर था प्लस 15 लीटर, तो कितना टोटल हो गया अपना, 25 लीटर हो गया V2। आपको P2 निकालना है क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस तो चेंज हुआ नहीं, टोटल जो आपका यहाँ पर गैस था वही गैस था पूरे जगह पे, है ना, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ नहीं, गैस बाहर निकला नहीं है। तो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अप्लाई करके आप इसको बना सकते हो आसानी से, P1V1 इक्वल टू P2V2 कर लो, तो P2 इक्वल टू कितना आएगा, P1V1 बाई V2 आएगा। P1 कितना है लिख लो, P1 है 5, V1 कितना है ये 10 है, V2 कितना है 25 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग हैं, तो ये आ जाएगा अपना हाउ मच, 2 एटमॉस्फेयर आंसर। हाँ जी, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे अगर आपको हम यहाँ दिखाएं, ये अपना क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये देख लीजिए, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है, करेक्ट। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, तो अगर यहां बोला जाए आपको कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंट चेंज इन वॉल्यूम इज 25%, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है अपना 25% से,
आपको निकालना, किस में चेंज निकालना है आपको, प्रेशर में। अब इस क्वेश्चन में केवल चेंज बोला है, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मान के बनाएंगे सपोज इस तरह से पहला केस, तो इसको हम बनाएंगे इस तरह से कि पहला हम ये सोच सकते हैं कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा 25% से तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा वो हमको निकालना है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो जब भी क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ हो, 25% बोला गया यहाँ पर ही, और यहाँ निकालना भी आपको परसेंट में निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तरीका है जैसे आप आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तरीका ये है यहाँ पर ही कि मान लो आप V1 इनिशियल वॉल्यूम मान लो आप 100, तो V2 हम आसानी से बता सकते हैं, अगर 25% अगर इसका निकाले हम तो 100 ये हो गया प्लस 25 आ जाएगा, दिस इज 125 हो जाएगा, मान लेते हैं इस तरह से। अब प्रेशर चेंज निकालना है आपको, प्रेशर में कितना चेंज होगा, तो अगर हम इनिशियल अगर मान ले हम प्रेशर को अगर 100 एटमॉस्फेयर होता तो P2 हमको निकालना है, P2 कितना होगा, तो ये हम एज्यूम को करना होगा इस क्वेश्चन के लिए ये पार्ट। अब बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा, तो यहाँ से आप क्या निकालना है, P2 निकालना है, निकालिए आप P1 V1 / V2 है, P1 कितना है जी, P1 आपका 100 है, V1 भी 100 है, और V2 कितना है, 125 है, सॉल्व थोड़ा कर दो इसको, तो ये 80 आ गया एटमॉस्फेयर आ जाएगा, ये अपना P2 है। हमको निकालना था चेंज, कितना प्रेशर में चेंज हुआ, तो डेल्टा पी अगर निकाले हम तो इनिशियल प्रेशर आपका ज़्यादा था 100 था, फाइनल कम हो गया, कितना कम हुआ 20 कम हो गया, ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट से कम हुआ, तो जितना चेंज है उसको लिखो बाय इनिशियल प्रेशर लिखो इनटू 100 कर दो, नो प्रॉब्लम। तो चेंज 20 का हुआ था, इनिशियल 100 था, इनटू 100 कर दिए तो कितना आ गया, 20% से घट जाएगा प्रेशर, नो प्रॉब्लम। ये हम पहला पार्ट बनाए हम लोग कि अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा, आप सेकंड पार्ट ही बना सकते हो कि वॉल्यूम अगर घटा होगा, अगर बढ़ा तो यहाँ हम ऐड कर दिए, अगर घटा होगा यहाँ माइनस कर देंगे हम, बाकी सेम प्रोसेस अपना अप्लाई करोगे तो कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और यहाँ हम काम कर सकते हैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन को पहले, फोर्थ नंबर अगर सपोज हमको यहाँ बनाना पड़े, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें यहाँ हम लोग क्या है, देखिए जरा, हाँ जी, अब यहाँ क्या बोला है आपको, देखो वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग 10 मार्बल्स, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर, एक गैस का सिलेंडर है ये, अपना गैस का सिलेंडर है मान लेते हैं। अब हम ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सपोज ये पिस्टन रहा है अपना, हाँ जो मूव कर सकता है मान लेते हैं, ये मेरा सिलेंडर हुआ कंटेनिंग 10 मार्बल्स, इसमें पहले से कुछ मार्बल्स रखा हुआ है, 10 मार्बल है, पाँच पाँच 10 मान ली होगी अपना, साइज सबका बराबर ही है, तो थोड़ा सा हम इसको ड्राइंग को देखिए, हाँ अपना 10 मार्बल था ना, तो उसको हम ये देख लीजिए, ये अपना डायग्राम बन गया, 10 मार्बल यहाँ पहले से रखा हुआ है इस गैस सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग 10 मार्बल्स एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब यहाँ जो कुछ गैस होगा खाली जगह में उसका प्रेशर पता है आपको कितना, 1 एटमॉस्फेयर पता है,
वॉल्यूम पता है आपको किसका, गैस सिलेंडर का, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर बोला है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर, तो कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा जी, हम ये बताए हैं आपको पहले ही कि कंटेनर अगर पूरा खाली होता तो होता वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन अगर कुछ अगर पार्टिकल यहाँ रखा गया, कुछ सब्सटेंस अगर यहाँ रखा गया है, उसका वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, हमको माइनस करना होगा। तो क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से आप माइनस कर दोगे क्या वॉल्यूम ऑफ मार्बल, जितना भी मार्बल्स है, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम था कंटेनर का, 1000 था, माइनस मान लेते हैं अपना वॉल्यूम ऑफ मार्बल एक्स मान लेते हैं, एक मार्बल का वही हमको निकालना भी है वॉल्यूम ऑफ इच मार्बल, तो लेट इसको मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ इच मार्बल मान लेते हैं एक्स, इच मार्बल मान लेते हैं एक्स, तो अगर 10 मार्बल है 10x हो गया, ये अपना V1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है उसको जरा पढ़िए आप। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, मतलब P2 जो अपना हो गया वो क्या हो गया, बढ़ गया कितना से, जो P2 अपना है वो P1 जो पहले 1 atmosphere था, अब ये बढ़ गया कितना से, 100% से, मतलब 1 पहले था और 1 और बढ़ गया, तो ये आपका 2 atmosphere हो गया। V2 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, हाँ जी, तो प्रेशर अगर बढ़ा है जरूर वॉल्यूम कम हुआ होगा, जरूर ये कंप्रेस हुआ होगा, तो अगर ये कंप्रेस हुआ होगा, तो डायग्राम हम थोड़ा इसको, अगर ये सपोज कंप्रेस हुआ होगा, मान लें यहाँ पर आ गया होगा पिस्टन अपना, ये कंप्रेस, ये कंप्रेस हुआ होगा, तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कम हो गया होगा, तो कितना हो गया जी अपना, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस बाय 100% न्यू वॉल्यूम बिकम 625, तो 625 हो गया, माइनस 10x करेंगे तब तो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा। आपको V1 पता है, V2 पता है, P2 पता है, P1 पता है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ही होगा, गैस कहीं से लीक तो हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही यहाँ पर मान के चलना होगा आपको, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं इसके बारे में, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है कुछ भी नहीं, तो मान के चलना है कि अपना टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपको पता है, अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए P1V1 इक्वल टू P2V2, P1 कितना है तो 1 है, V1 कितना है तो 1000 माइनस 10x है, इक्वल टू P2 कितना है ये 2 atmosphere है, V2 कितना है तो ये है 625 माइनस 10x है, हाँ जी। अब इसको बस सॉल्व करिए, x निकलेगा वही अपना आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज 1000 माइनस 10x इक्वल टू 25 ml आपका वॉल्यूम ऑफ इच मार्बल आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कुछ क्वेश्चन था बॉयल्स लॉ से, हम लोग इसको सॉल्व किए, करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर यूज था अपना कि अगर कंटेनर में पहले इसको सब्सटेंस रखा हुआ होगा तो उसका वॉल्यूम को हटाना होगा, उसको माइनस करना होगा, तब जाके निकल के आएगा अपना वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हुआ।